and welcome back to my channel Winky and Wings. So guys, in today's video I'm going to share how can you do your manicure and pedicure at your home by yourself and that too under a budget. Recently I found a kit on Nykaa. It was this kit, Vadika Herbals Pedicure Manicure Spa Kit. Its price hai 275 rupees, jo ki mujhe under 200 I guess mila hai, discount pe mila hai, 250 or 200 ke around mila hai. तो अगर आप किसी भी पार्लर में जाते हो मैनिक्योर या पेडिक्योर कराने तो वो आप आराम से आपसे 500 से 1000 रुपए लेते हैं, चार्ज करते हैं एक बार का मैनिक्योर या पेडिक्योर करने का चार्ज लेते हैं. ये 275 रुपीज जो कि आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा. आप अंडर 300 में अच्छा सा पेडिक्योर मैनिक्योर खुद कर सकते हो, घर पे कर सकते हो. तो मैं अभी ये ओपन करने वाली हूँ क्योंकि मेरे हाथ की कंडीशन तो फिर भी ठीक है बट पैर की कंडीशन बहुत बजी पड़ी है. तो मैं अपना पेडिक्योर करके आपको दिखाने वाली हूँ और ये किट कैसे वर्क करता है और हम साथ में देखेंगे. मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो यूज़ करने के बाद ही मैं बता पाऊँगी कितना अच्छा है. ये काम कर गया तो इट्स अमेजिंग, इट विल बी अ विन फॉर अस और हम अंडर 300 रुपीज में घर पे ही कर पाएंगे अपना स्पा, अपना पेडिक्योर मैनिक्योर खुद से. सो या विदाउट फर्दर डू लेट इट. ओके गाइस, सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड. यहाँ पर टोटल 5 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हम लोग को. पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी बाय द वे. ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, पहले से इसमें था. ये सब कुछ हटाने के बाद यहाँ पर टोटल 5 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमें, जिसमें आपको मिल जाएगा फुट क्लेंजर, फुट क्रीम, स्क्रब, मास्क और आपको नेल और क्यूटिकल ऑयल मिलेगा यहाँ पर. तो दिस इज़ हाउ माई फुट लुक्स लाइक. कलर लगाया यहाँ पर मेरे नेल पेंट के ऊपर तो काफ़ी टाइम भी है तो हम इसे क्लीन करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वीट का वैक्स टाइप ले रही हूँ. इस तरह से मैं छोटा सा कट कर दूँगी और जो भी एक्सेस हेयर है मेरे टोज पे तो मैं उसे रिमूव करूँगी यहाँ पर. तो जस्ट हमें कुछ करना नहीं होता है, लेना होता है और वैक्स करना होता है. सिंपल है, काफ़ी पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कुछ भी नहीं होता है. तो इस तरह से मैं अच्छे से अपने जो भी थोड़े बहुत हेयर बचे हैं मैं उसे दोनों पैर के क्लीन कर लूँगी. मैं यहाँ पर नेल पेंट रिमूवर ले रही हूँ और मैं कॉटन पैड से अच्छे से नेल पेंट रिमूव करूँगी. दिस इज़ द स्टेप 2 है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है. इस तरह से आप क्लीन कर लोगे अपने नेल पेंट को. फिर हम क्लीनिंग और भी डीप क्लीनिंग करने के लिए अपने नेल्स को भी कट कर रही हूँ मैं. काफ़ी टाइम हो गया था, मेरे पैर के नेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे तो आई एम जस्ट कटिंग ऑफ द एक्सेस नेल. और मैं फाइल करके कुछ भी एजेस शार्प नहीं रह जाए इसलिए मैं फाइल कर लूँगी. अब हम स्टार्ट करें अपने पेडिक्योर का प्रोसीजर. तो यहाँ पर पीछे बॉक्स पे सब कुछ सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं. तो सबसे पहले मैं क्लेंजर ले रही हूँ, फुट क्लेंजर, और मैं इस तरह से इसे रिमूव करूँगी ओपन करके. इसमें अंदर जेली टाइप का काफ़ी फॉर्मूला था इसका, तो मैंने कुछ किया नहीं है, हल्का सा पानी लगाया है और फिर इस जेली लाइक जो भी क्लेंजर था उससे अपने फुट पे अच्छे से मसाज करा है. सारा कुछ प्रोसेस पीछे बॉक्स में लिखा रहेगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इट बिकम्स वेरी इजी. तो इस तरह से 5 मिनट के लिए आपको मसाज करना है, आपके पैरों को अच्छे से क्लीन करना है. क्यूटिकल्स, नेल्स, पीछे आपके पैरों के पीछे के साइड से भी अच्छे से क्लीन करना है. एटलीस्ट मिनिमम आपको 5 मिनट्स तक मसाज करना है अपने पैरों को. फिर मैं यहाँ पर वार्म वाटर लिया है और मैंने इस छोटे से टब में रखा है, अपने पैरों को सोक करा है. जो भी डेड स्किन वगैरह हमारे पैर के नीचे लगी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और वो इजीली रिमूव हो जाएगी. इसके लिए हम एटलीस्ट 5 से 10 मिनट्स ल्यूकवॉर्म वाटर में अपने पैरों को डिप करके रखेंगे. उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है फुट को स्क्रब करना. तो ये फुट स्क्रब, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, स्क्रब पार्टिकल्स थे, जिसको हम अच्छे से पैरों पे मसाज करेंगे. 5 to 10 मिनट्स इसे भी मसाज करेंगे ताकि जो भी डेड स्किन है, जो भी गंदगी है, अच्छे से रिमूव हो जाए. डीप क्लीनिंग कर दे पैर को. पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे गाइज. इसके बाद यहाँ पर ये प्यूमाइस स्टोन से अपने पैर को क्लीन कर रही हूँ. काफ़ी डेड स्किन थी मेरे पैरों के नीचे के साइड में, मैंने अच्छे से उसे रब करके क्लीन कर लिया है. दिस इज़ हाउ माई फुट लुक्स लाइक. और अब मैं यहाँ पर फुट क्रीम लगा रही हूँ. ये थर्ड स्टेप है गाइज हमारा, फुट क्रीम लगाना. तो मैं नेल्स बहुत ज़्यादा, मेरे क्यूटिकल्स ड्राई थे इसलिए मैं अच्छे से लगा रही हूँ और मसाज करूँगी. आपको एटलीस्ट आप इस पर 5 मिनट्स लगाए पर मैंने 10 मिनट्स तक मसाज किया था. काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे मसाज करना.
तो मैंने अच्छे से इसे मसाज किया और फिर हमारा मसाज करने के बाद हमें इसे वॉश नहीं करना है, इसके ऊपर ही मैंने अपना ये जो एंटी टैन रिमूवल यू नो मास्क था मैंने वो लगा लिया है। इसे लगाने के बाद हमें 20 मिनट्स तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है ड्राई आउट होने के लिए। तो बस मैंने इसे अप्लाई करा है और ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। गाइज आफ्टर 20 मिनट्स ये कुछ इस तरह से ड्राई होने के बाद दिख रहे थे। हमें कुछ नहीं करना है, एक किसी भी गीले कपड़े से आप इसे बस पोंछ डालो। मैंने एक गीला कपड़ा लेकर इसे पोंछ दिया और फिर मैंने अपने पैर को जा कर के पानी में धो लिया। ल्यूकवॉर्म वाटर रहेगा तो अच्छा है, अदरवाइज आप कैसे भी इसे बस वॉश कर लो, सिंपली किसी भी पानी से चलेगा। तो अब इसके बाद मैंने जब वॉश कर लिया अपना पैर तो कुछ इस तरह से लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुके थे गाइस, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे मुझे मेरे पैर, बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतना क्लीन घर पे हो सकता है। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ये। अब मैं बस यहाँ पर कोई भी मॉइस्चराइज़र लेकर आप मसाज कर सकते हो। मैंने फुट पे नीचे इसलिए लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, मैंने अच्छे से क्लीन किया था। तो अभी लास्ट प्रोसेस जो हमारा है वो नेल और क्यूटिकल ऑयल है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे नेल्स के लिए, हाथ और पैर आप दोनों में भी लगा सकते हो। तो मैंने अच्छे से इसे लगा के मसाज कर लिया 2 मिनट तक और सिंपल सा मैंने नेल पेंट लगा लिया एक न्यू कलर का। दिस नेल पेंट इज फ्रॉम बेलोरा पेरिस, शेड नंबर एल मेंशन मुझे याद नहीं है। तो बस मैंने ये लगाया और ड्राई आउट होने के लिए रख दिया। दिस इज हाउ माई फुट लुक्स लाइक, इट इज सुपर क्लीन और टैन भी काफ़ी कम हो गया था। 2 से 3 बार अगर आप करोगे तो यू नो आपको विजिबल अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। इस तरह से मैंने करा है अपना पैर का पेडिक्योर जस्ट अंडर ₹300 बाय यूजिंग दिस वादी हर्बल्स का किट। तो मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है ये किट। अंडर ₹300 में आपको बहुत ही अच्छे से फुट स्क्रब जो था उसने अच्छे से मेरे पैर के डेड स्किन को निकाल दिया, जो एंटी टैन यू नो मास्क था उसने अच्छे से मेरे पैर से टैन को क्लीन कर दिया। ऑफ कोर्स एक बार में आपका सारा टैन नहीं जाएगा, बट अगर आप इसे यू नो वीकली या फिर हर वीकली तो ज्यादा हो जाएगा, मैं आपको बोलूंगी इसे हर 15 डेज में यूज करते हो तो यू नो 2 से 3 महीने आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा और आपका पैर एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आप सेम प्रोसेस अपने हाथ पे भी कर सकते हो, मैनिक्योर कर सकते हो आप घर पे ही इस किट की वजह से। तो फ्रॉम माई साइड इट्स अ बिग थम्स अप, मुझे बहुत पसंद आया ये किट और आप जरूर ट्राई करना। और अगर आप ट्राई करना मेरे रिकमेंडेशन पे तो डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच विल बी मेंशन ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ऑफकोर्स मैं आपको ये किट का यू नो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, ऑफकोर्स यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ डू यू लाइक दिस किट। सो इफ यू वॉन्ट टू सी मोर कॉन्टेंट लाइक दिस यू नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू नीड टू हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू ऑलवेज गेट अ नोटिफिकेशन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।